नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, आप पुनीत जी? हाँ, कौन? अरे, हम प्रेम कुमार मिश्रा सुल्तानपुर से। हाँ, बताइए, और क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चुनाव आपके यहाँ? अभी हुए नहीं है, होना है। आपके हाँ, उधर हो तो क्या? पहली जून को है, हमारे यहाँ तो कल है। यहाँ शुरू में थोड़ी बातचीत राजनीति से संबंधित हुई है चुनाव को लेकर के, इसलिए उस पार्ट को काट करके हमने लास्ट में कर दिया है। अगर आप सुनना चाहें तो लास्ट में, जब ये बातचीत पूरी कन्वर्सेशन कंप्लीट होगी, तो उसके बाद जो है जो बीच का कटा पार्ट है वो आपको सुनने को मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हों लास्ट तक सुनिएगा, उसके बाद वो भी पार्ट सुन लीजिएगा। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी कन्वर्सेशन होता है, जैसे होता है, जिससे वो पूरा पूरा वैसे का वैसे ही आपके सामने रखा जाए, कोई चीज़ जो है छुपाया ना जाए। जो भी चीज़ें हैं सबके लिए एक समान है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी से कुछ और, किसी से कुछ और बात करनी है। इसलिए प्रयास रहता है कि पूरी बातचीत, जो भी करंट स्टेटस है, करंट में क्या चल रहा है शिक्षा विभाग में, वो सब आप तक वैसे का वैसे ही पहुंचाया जाए। तो आप लोग लेटेस्ट अपडेट देख रहे होंगे कि बीएड का जो है नया गजट आने जा रहा है। एनसीटी का जो आप ट्विटर है या साइट है वो चेक करते रहिए, उस पर अपडेट्स आ रहे हैं, तो उससे भी संबंधित जल्द ही वीडियो बनाएंगे। चलिए, आज की ये कन्वर्सेशन सुनिए और तैयारी कर लीजिए। आगे बीएड का गजट आने जा रहा है, वर्षवार नियुक्ति, शिक्षा में समायोजन, ये सब होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी कर लीजिए और ये कन्वर्सेशन पूरा सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। ये क्या सारे ही सुना कीजिए लास्ट तक, तभी सारी बात समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग पूरी जानकारी रखते नहीं हैं, आधी अधूरी जानकारी रखते हैं, तो जिसकी वजह से कन्फ्यूजन में होता है। तो पूरी जानकारी रखा कीजिए, लास्ट तक कन्वर्सेशन सुना कीजिए, पूरी बातें सुना कीजिए। जब पूरी बात आप सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। चलिए, तो जो है आप लोग पूरी कन्वर्सेशन सुनिए और लास्ट में वो भी सुन लीजिएगा जो बातचीत हुई है। तो इस तरह के उदाहरण हैं। अच्छा, ये एक एक चीज ये बताइए, जैसे बीजेपी की सरकार तो आ ही रही है, लेकिन मान लिया जाए थोड़ी देर को सरकार नहीं आ रही है, तो क्या जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आने वाली सरकार इसके हिसाब से मतलब करेगी काम कि उसमें बदलाव करेगी? ये पहला तो आपने जो कहा कि मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें इफ बट है ही नहीं कि बीजेपी नहीं आएगी। पहला तो ये पॉइंट, आना कंफर्म है। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं, चलिए हाँ, 1% मान लेते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना या अन्य जो इस तरह की योजना है, उस तरह का ये नहीं है। अच्छा, ये सब तो उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ये सब डायरेक्ट लाभ देने वाली योजनाएं है ना। जी जी, एक एक व्यक्ति को डायरेक्ट लाभ देने वाली। लेकिन जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जी, ये किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को लाभ देने के पर्पस से नहीं बना है, और ये पहली बार नहीं बना है जी, तो हमेशा पहले भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रहा है। ये तैयार किया जाता है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, अब हम उसमें क्या बदलाव करें, क्या नई चीजें लेकर क्या है, इसको ध्यान में रख करके नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की जाती है जी। और इसके पहले भी आई है, 1986 की ही देख लीजिए जी। तो जब वो आया तो उसमें जो कुछ भी था, उसमें चाहे वो पूरा किया गया या नहीं किया गया, लेकिन उसकी मैक्सिमम चीजें उसी अनुसार चल रही थी ना शिक्षा व्यवस्था। हाँ। तो शुरू से देख लीजिए, अब तक मैकाले की व्यवस्था लागू हो गई तो वही व्यवस्था चली आ रही है जी। तो कोई चीज जब लागू होता है तो लंबे समय तक के प्लान करके लिए चलता है, प्लान करके किया जाता है और वो चलता है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये शिक्षा विभाग की है और पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए है जी जी जी। और इसको आप जब पढ़ेंगे तो ये जो मैकाले वाली व्यवस्था है, इन सब जो विसंगतियां हैं, जो उसमें खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए बनाया गया है। हाँ, मतलब आईआईटी जीट चलती रहेगी। हाँ बिल्कुल, चाहे जैसे लगता है, मान लीजिए जैसे कांग्रेस ने बीएड के खिलाफ वहाँ राजस्थान से लड़ाई लड़ी, अच्छा अब एनसीटी को फिर से बैलेट करना है, पता चले कि सरकार की मंशा कुछ दूसरी है, क्या कहते हैं मतलब वैलिडेटी करने के लिए जो प्रोग्राम इनका है, प्रोग्राम रुक जाए, ये सब चीजें थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में कुछ नहीं होगा ये सब, क्योंकि
इतना आगे बढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ही लागू इन्होंने कर दिया था, जब दूसरी बार आए उसी के बाद जल्दी से लागू करा दिए, जब 2014 में आए तो आने के बाद ही इस पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए और जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उस पर जो है क्या अब तक हुआ है समीक्षा वगैरह करने के लिए कमेटी बना दी गई, फिर राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति तैयार करने के लिए कमेटी बना दी गई, उधर समीक्षा भी होती रही, समीक्षा होकर आ गई, उसके बाद कमेटी बना करके क्या क्या नई चीजें करनी है उसके लिए कमेटी बना दी गई, सारी चीजें तैयार हो गई, लेकिन फिर भी इन्होंने उस वक्त तक जो है पब्लिक नहीं किया, चीजों को गोपनीय रखा, जब ये दूसरी बार 19 में जीत कर आए जी तब जो है मसौदा को सार्वजनिक किए 2019 में, तैयार तो पहले ही हाँ अपने टर्म में कर लिए थे लेकिन नहीं चीजों को उनको ओपन नहीं किए, जब हाँ दूसरी ओपन बार नहीं जीत किए कर हैं। आए हाँ तब इन्होंने ओपन किया, और आते ही ओपन कर दिया, और 1 साल का समय लिया, लोगों से सुझाव लिया, और फिर 1 ही साल के बाद जो है 2020 में इसे लागू कर दिया, ताकि जो है जो अगला चुनाव आए 5 साल बाद तो तब तक मैक्सिमम चीजें हो चुकी हों और सारी चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी हों कि जो है चुनाव से इस पर कोई फर्क ही ना पड़े। तो अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना आगे बढ़ चुका है कि अब जो है कोई वैसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी देखिए ना एनसीटी ने कितना दिन हुआ, 10 दिन हुआ ज्यादा ज्यादा, अभी अभी जो है तो वो आपने बताया डाला था। हाँ जो है स्क्रीनशॉट हमने डाला था बीएड के लिए जो है नया पैटर्न वो नया सिलेबस तैयार कर हाँ लिए, नया तो वो तैयार हो गया है। एनसीटी हम लगातार बता रहे हैं अपना काम कर रही है, हम तो पहले ही बताए थे कि अपना रिपोर्ट वो जो है दे चुकी है शिक्षा मंत्रालय को, अभी जो वो सार्वजनिक हो गया वो सारी चीजें आ गई सामने, वो खुद ही बता दिए कि रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हैं, अब जो है ये चुनाव जैसे ही खत्म होगा रिजल्ट आ जाएगा, इसके बाद अब ये देखना है कि एनसीटी ही जो है बीएड को वैलिड करने का गजट जारी कर देती है, या हो सकता है कि एचईसीआई को जो है आते ही जो है हाँ वो एचईसीआई वो भी बिल एक्टिव कर पास दें। हाँ वो भी फटाक से जो है बिल पास करके उसको एक्टिव कर उसके माध्यम से सारी चीजें करा दें, लेकिन ये क्या ये ये अध्याय हमेशा प्लान ए प्लान बी प्लान सी बना करके चलते हैं, इनके जी पास जी सिर्फ एक प्लान नहीं होता, इनके पास बैकअप भी होता है। जी नए अध्यापकों की भर्ती इनको इलेक्शन के पहले अगर ये आ गई होती तो जो थोड़ा सा बेरोजगारी को ये लेके आपकी और सोच है, मतलब ये हमारी सोच हो सकती है, ये लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन वहां बैठा हुआ व्यक्ति जो प्लान बना करके हर चीज कर रहा है उसको सब कुछ जी देख के चलना है। अध्यापकों की भर्ती की बात की जाए, आप पिछले 20 साल का इतिहास उठाकर देखिए, केंद्रीय विद्यालय में जब जब भर्ती आई है कितने पद आए हैं, प्राइमरी में 500 800 1200 1400 2000 ऐसे ही जी आते रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि 6000 से ज्यादा एक साथ पद आए, हाँ तो वो तो सारे पद भरने की तो तैयारी कर चुके हैं और किए भी हैं, केंद्रीय विद्यालय में कर लिए हैं, अब राज्यों को करवाना है, जी तो ऐसा नहीं है कि जो है वो प्लान जो किए हैं नहीं करना चाह रहे हैं, बजट भी तो देखना है ना। अभी हमारे एक रिश्तेदार की महिला जो है एकलव्य में हिंदी की लेक्चरर हुई ESW से, अच्छा इंटर सब हो गया है, नियुक्ति भी हो गई, अभी स्कूल का अलाटमेंट नहीं हुआ है, तो अच्छा उसमें भी मतलब वो ऑल इंडिया बेसिस का था। तो एक चीज तो है ही है इस सरकार में, अच्छा जो वहां पहले से संविदा कर्मी कर रहे थे उनको मतलब लेटर दे दिया, उनको मतलब छुट्टी कर दिया, अब हो सकता है नए सत्र से अलाटमेंट आ जाए। तो भर्तियां जितनी भी हो रही है सब योग्य, मतलब जितने योग्य भर्ती हैं, जो मेहनती हैं, जो किताबों से मतलब जुड़े हुए लोग हैं, इनको मिल रही है बिना पैसे की मिल रही, नहीं तो पद बिकता था। देखिए ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं ये जी दिखता तो सबको है, लेकिन क्या है चुनाव आ गया, कोई सपा सपोर्टर है, कोई कांग्रेस सपोर्टर है, कोई बीजेपी विरोधी है, जो भी है, अब हाँ उनका कहीं ना कहीं जो है वो जो सोच है उनकी अपनी सोच कि हमें ये नौकरी मिल गई होती ऐसा हो गया होता वैसा हो गया, तो वो नहीं पूरा हुई, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुंठा है, उस जी कुंठा के कारण ये सारी चीजें वो अनदेखा करके जो है बस उनको एक ही चीज दिखता है, अरे ये भर्ती नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उस पर बात नहीं करते हैं लोग। यही तो सबसे, आप देखिए हमारे यहाँ TGT वाली भर्ती में हमारे
गांव से 1-2 किलोमीटर के एरिया में 10-15 लड़के हुए हैं, जिसमें कि 3-4 तो ब्राह्मण बिरादरी के हुए हैं। एक लड़की इंग्लिश की लेक्चरर हुई है। ये अपने जीवन में कभी अगर दूसरी सरकार होती तो ये अपने जीवन में नौकरी नहीं पा सकते थे, इसलिए कि कोई के पास 25-30 लाख रुपए तो है नहीं कि कोई ले जाके दे दे उनको। तो ये हुआ कि मतलब ईमानदारी और क्या कहते हैं सरकार की शुचिता पर मतलब ये नौकरी इन लोगों को मिली है। तो तो यही सब है, सरकार अच्छी है, ईमानदारी से काम कर रही है। लेकिन जैसे अभी पुलिस भर्ती में क्या कहते हैं नकल हो गई, तुरंत कैंसिल किरकिरी, कर दिए। नहीं, हाँ किरकिरी हुई थोड़ा सा, मतलब उसका लोग वो बना रहे हैं किरकिरी रोंगटे। देखिए, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए आप ही का परिवार है, जी आपका एक पड़ोसी कहा कि आपके बेटे को मैंने देखा है वहां पर, जो है वो चोरी कर रहा था। जी अब किसी के कह देने मात्र से आप अपने बेटे पर शक करना शुरू कर देंगे, तुरंत मान लेंगे कि हाँ उसने ऐसा किया ही होगा, या पहले आप उसकी जानकारी भी करेंगे नहीं, पहले जानकारी करेंगे तब फिर कोई कदम उठाएंगे भाई। किसी एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति के कह देने मात्र से, ऐसा तो नहीं ना कि उसको फांसी भी तुरंत लटका देंगे, नहीं ना ना। तो कोई भी चीज हुआ, उसकी जानकारी मीडिया में तो फैल गया, लोगों ने पोस्ट डालना, फेसबुक पर लिखना, ये करना वो करना शुरू कर दिया, हल्ला शुरू कर दिया। जी लेकिन अब फेसबुक व्हाट्सएप के जो है पोस्ट से कोई डिसीजन गवर्नमेंट ले ले, ऐसा तो नहीं ना होगा। ना ना, वो तो जांच कराएगी, जांच में इधर मामला आ गया सामने सही तब वो एक्शन तो लेगी। उसमें जो है, जब जिसको दिया गया पुलिस वगैरह को जो कुछ जांच करने के लिए, जब वो तथ्य लेकर आए सामने कि हाँ ऐसा प्रमाण मिल रहा है, ये उसके आगे पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं, तो जब कंफर्मेशन होगा उसके बाद ही तो वो एक्शन लेंगे उस पर। तो कंफर्मेशन होने तक और एक्शन लेने तक, अब चाहे कोई कह ले किरकिरी हो गई, चाहे जो कह ले, लेकिन हाँ जैसे बात उनके सामने, जैसे उनके सामने प्रमाण आ गया, कंफर्म हो गया, उन्होंने अपना जो है डिसीजन ले लिया कि भैया रद्द हाँ, कर। एक वो निगेटिव निगेटिविटी जो है वो फैला रहे हैं कि कोई भी परीक्षा इनकी साफ नहीं हो रही है, नकल हो रही है, ये लोग मंच से बोल रहे हैं, यही सब चीजें थोड़ा सा तो मतलब वो कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी एक्शन लेना, सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप या 2-4 लोगों के हल्ला कर देने मात्र से, एक नहीं नहीं ये तो सेंटर नहीं पर किसी के विरोध करने मात्र से नहीं होगा। जी। वो किस पर भरोसा करेंगे, आप पर, हम पर, या आम जनता पर? नहीं, उनको जो है अपने सिस्टम पर भरोसा है। अगर उनके जानकारी में आया तो उन्होंने आदेश दिया होगा उससे संबंधित लोगों को कि जो जी है क्या है, जल्दी से जल्दी मेरे सामने जो है रिपोर्ट लेकर आइए। तो जब जितना वक्त लगेगा इसमें रिपोर्ट आने में, डिसीजन लेने में, उतने समय चाहे जो जो कह ले। जी, अब इसमें हमको लगता है पुनीत जी, जैसे परीक्षा हो रही है, जिम्मेदारी हमको दे दी गई, अच्छा हमारा कैंडिडेट जो है या हमारा लड़का या भतीजा या कोई भी अगर उस परीक्षा में बैठ रहा है तो हम तो यही चाहेंगे किसी तरह मतलब वो पास हो जाए। तो ऐसे ही जब जिन जिन सेंटरों को जिम्मेदारी दी गई वो अपने मतलब स्वार्थ में ये अपनी मतलब ऐसा काम किए उससे उनको लाभ भी नहीं मिला और सरकार की बदनामी भी हुई और सेंटर की तो जो नहीं, बदनामी हुई वो तो हुई यहाँ है पर सबसे मुख्य बात ये ध्यान दीजिए जी। कि पद थे 60,000, जी साठ और हजार के लगभग आवेदक थे, लगभग लगभग 48 लाख से ज्यादा, राउंड जी फिगर में, राउंड फिगर में 48 50 लाख मान लिया जाए, चलिए चलिए हाँ 50 के आसपास चल, हम लोग सीधा सीधा बात करते हैं, 50 लाख थे। तो जी ये तो सबको पता है ना कि नौकरी सिर्फ 60,000 को मिलनी है। जी तो जितने लोग एग्जाम देकर के आए होंगे उनको तो समझ में आ गया होगा कि हम कितने पानी में हैं। हाँ तो 60,000 लोग तो कंफर्म थे, फिर भी हम जी मान लेते हैं कि ये जो कंफर्म वाला कि हमें नौकरी मिल रही है, ऐसे जो है मानने वाले 5 लाख लोग रहे होंगे जिनका पेपर अच्छा हाँ हुआ होगा। हाँ जिनका अच्छा हुआ है बिना नकल तो के 5 लाख जो है वो तो फेवर में रहे होंगे कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, कैंसिल ना हो। ना हो। जो बच गए 50 में से 45 लाख, उनका हाँ क्या? जी उनको तो पता है कि हम तो कुछ पढ़े लिखे थे नहीं, हम कुछ करके आए नहीं हैं, तो हम हल्ला मचाए तो उनको तो सिर्फ हल्ला मचाना, रद्द कराना है कि किसी तरह रद्द हो जाए, फिर अगली बार देखा जाएगा। हाँ सही तो कह उनकी संख्या भी ज्यादा है, और जो पढ़ने वाले 5 लाख हैं वो दिन रात फेसबुक व्हाट्सएप पर नहीं मिलेंगे, वो आज वो भी अपने, तैयारी में हाँ है वो अपने किताबों में, अपने कमरे में बंद होंगे, अपने कोचिंग में मिलेंगे,
उनके पास इतनी फुर्सत नहीं 24 घंटे में, वो आधे घंटे भी फेसबुक व्हाट्सएप चला लें। हाँ नहीं नहीं ये बात जो फेसबुक व्हाट्सएप पर चिल्ला रहे हैं ये कौन है, ये वही हैं जो 1% भी संभावना नहीं रखते हैं सिलेक्शन की। जी जी तो फेसबुक व्हाट्सएप पर चिल्लाने वालों की बात मान करके डिसीजन नहीं लिया जा सकता ना। जी जी और ये फेसबुक व्हाट्सएप जो दिन रात चलाते रहते हैं इनमें मैक्सिमम लोग वही हैं जो 1% भी कहीं दावेदारी नहीं रखते हैं किसी। हाँ, मतलब वो खाली फार्म भर दिए हैं, इम्तिहान देने चले गए बस। अब आप ही बताइए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हम बात कर लें टीटी बीएड बीटीसी इन लोगों की बात कर लें, जो भी लोग बीएड बीटीसी डीएलएड करते हैं कोई भी 20 साल के नीचे का तो नहीं होता है। जी 20 साल के ऊपर के होते हैं। जी जी तो अगर पुरानी भर्तियों की बात की जाए 69,000 की, तो 69,000 भर्ती आई थी 18-19 में। जी हाँ 18 5-6 साल हो चुके हैं। अगर उस वक्त किसी की उम्र जो है बीएड या बीटीसी करके आया होगा, टेट वेट पास करके आया होगा, अगर उस वक्त मान लें 22-23 साल रहा होगा और आज 5 साल 6 साल बीत गए हैं, वो लगभग 30 के आसपास पहुंच रहा होगा लगभग में। जी 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 ठीक है। और पीछे जितना जाएंगे पीछे की भर्तियों में तो और ज्यादा वाले उम्र वाले मिलेंगे लोग। हाँ उम्र वाले ज्यादा मिलेंगे, तो एक एक साल तो बढ़ता जा रहा है। हाँ तो ऐसे ही पुरानी भर्तियों की बात करें 68,500, 12,460 या 2011 की 72,000 या उससे पुरानी, तो इसमें जितने लोग हैं सबकी उम्र जो है जो पुरानी भर्तियां हैं 30 से ऊपर 40 से ऊपर 45 ऊपर वाले 35-40 में पहुंच गए हैं। अब उस एज में 35-40-45 की उम्र में अब नए लड़कों का कहां से मुकाबला। हम बात कर रहे हैं कि उस उम्र में किसके पास कितना टाइम है कि वो रोज लखनऊ दौड़ेगा, रोज मीटिंग करेगा, कि वो कमाएगा अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाएगा खाने पीने पहनने ओढ़ने का। जी जी। तो अब उसमें कौन लोग जो है नेतागिरी करते हैं, जो नेता बनते हैं रोज फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं, रोज लखनऊ में मिल रहे हैं, रोज जो है कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, अब उनका बिजनेस हो गया है वो। हाँ तो ये वो लोग होते हैं जो एकदम खाली होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि जो है पुलिस भर्ती में 5 लाख अगर मान लें सीरियस हैं तो 45 लाख वो लोग हैं जो 1% भी दावेदारी नहीं रखते। जी, तो जी ये जो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कोर्ट कचहरी में धरना में जितने नेता दिखते हैं जी, ये वो लोग हैं जो मान चुके हैं कि हम किसी काबिल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, है। उदाहरण में बहुत बड़ा संगठन है शिक्षा में संगठन। जी, जी जी आप किसी शिक्षामित्र से पूछ लीजिए कि जितेंद्र शाही, गाजी इमाम आला और जाने कितने नाम हैं, इनमें से कितने लोग आज तक टेट पास किए हैं। नेता कोई नहीं टेट पास किया, शायद इक्का दुक्का नाम सुनने को मिला शायद। अब इनका काम जितना नौकरी कर कमाते उससे ज्यादा कमा चुके हैं, इनको टेट और नौकरी से क्या मतलब है। हाँ तो जितना फेसबुक व्हाट्सएप पर चिल्लाने वाले, जितना नेतागिरी करने वाले, कोर्ट कचहरी धरना करने वाले, चाहे किसी भी रूप में किसी संगठन में कहीं पर भी हों, ये वो लोग होते हैं जो कि 1% भी कहीं पर भी जो है वो बैठ नहीं सकते हैं, बैठने के काबिल नहीं है, योग्यता नहीं रखते हैं कि कुछ हासिल कर सके अपने दम पर, ये वो लोग हैं। तो चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे बीएटीटी हो, चाहे नई भर्ती पुरानी भर्ती कहीं हो, अगर कोई जो है ज्यादा समय दिख रहा है कहीं पर है एक्टिव फेसबुक व्हाट्सएप यहाँ वहाँ, और उस समय अगर ये सरकार की बात मान लिए होते तो एक टीटी हो गई होते, कम से कम आधे से ज्यादा लड़के बेचारे भविष्य तो बन गया होता उनका। चलिए पुरानी बातें तो अब सब जान ही रहे हैं, लेकिन बस ये है कि कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं। यही जो है बीएटेट 2011 वाले हैं, इन्हीं को जो है अखिलेश यादव ने बर्बाद किया और अब हाँ, जो है उन्हीं के गुणगान गाते हैं चुनाव। हाँ, उसी ने बर्बाद किया हमारी, तो भाई दो बहुएं नौकरी से इसी इसी के जाते मतलब वंचित रह गई। अच्छा एक चीज ये बताइए, जैसे जो बहू हमारी 11 वाली है बीएड टेट हाई कोर्ट प्रैक्टिस कर रही है, तो मान लीजिए जैसे वर्षवार नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है तो नौकरी लेना ज्यादा ठीक रहेगा कि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस ठीक रहेगी। देखिए उनको प्रैक्टिस करते कितना समय हुआ, कितना अनुभव हुआ, कितना अब तक वो अचीव कर चुकी हैं, कितना उनका मंथली वहां से जो है इनकम हो जा रहा है, ये सारी चीजें देख करके उनको डिसीजन लेना होगा ना। अगर मेरी नजर में अगर कोई हाई कोर्ट में बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है जी, तो उससे बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकता। हाँ ये बात तो सही है।
लेकिन उस स्तर पे पहुंचने में अभी बहुत समय है। हाँ ठीक है, लेकिन अब आप तुलना कर लीजिए ना कि सरकारी नौकरी मिलेगा 40-45-50 हज़ार रुपए शुरुआत होगी, और गांव की जो है लाइफ जीनी होगी, गांव में वही छोटे छोटे बच्चे जो है मिलेंगे गांव के, जी वो लाइफ, और एक हो गया हाई कोर्ट, शहर की लाइफ, वो शहर की लाइफ और वो लाइम लाइट, और वहाँ जो पैसा है, वहाँ जो ग्रोथ है आगे बढ़ने का, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी ना। हाँ ये बात तो कह रहे हैं। वो कितने साल हो गए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? बस अभी ज्यादा नहीं, 2-2.5 साल हुआ है। 2-2.5 साल हो गया, तो अब तक उनकी सोच जो है काफी हद तक अब उस तरफ चली गई होगी। 2-2.5 साल कम नहीं होता है। हाँ, मतलब वो प्रैक्टिस तरफ ज्यादा, हाँ, मतलब अब जो है बीज जो है जो बोया गया था, वो बीज जो है धरती को चीर करके ऊपर आकर पौधा बन चुका है। अब वो जी पौधे से फिर आगे अगर लगातार उसे जो है पोषण मिलता रहेगा तो वो पेड़ बनेगा और फिर फल देगा, बढ़िया फल देगा। जी भाई, कोर्ट वकालत वगैरह में आप कोर्ट में हैं तो आमदनी है, घर बैठ गए तो आपको कोई एक पैसा नहीं मिलना है। तो वो तो भाई सरकारी नौकरी में ही घर बैठे मिलेगा क्या? कितने दिन मिलेगा? अच्छा, नौकरी में है आदमी, ड्यूटी करेगा हफ्ते में, क्या कहते हैं, अरे महीने में 4-6 छुट्टियां मिलती हैं, हाँ ऐसे भी आदमी अवकाश ले लिया, तो कई तरीके के मतलब वो हैं, लेकिन वहां तो देखिए, बिल्कुल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर जगह हर चीज के होते हैं। जी वकालत करी रहेंगी, हाई कोर्ट की वकील रहेंगी, कहीं कोई जो है सामने खड़ा होने में भी जो है सोचेगा, जी किसी की हिम्मत नहीं होगी कहीं पर भी कुछ भी बोलने की। हाँ बात तो सही है। और प्राइमरी के मास्टरनी जी रोज BSC ABSC रोज चापे रहेंगे, प्रिंसिपल रोज जो है डांटता रहेगा, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, रोज जो ये है बात तो ऑर्डर सही सुनना है। होगा। और रही बात यहाँ छुट्टियों की, तो हमें जहाँ तक लगता है कि जब जब ये वकील लोग हड़ताल करते हैं जिस दिन, जी उस दिन भी उनकी उतनी ही कमाई होती है जब हड़ताल नहीं होता तो होती जितनी, जी क्योंकि फीस तो तब भी वो लेते हैं, हाँ, फीस तो उतनी खुद लेते ही हैं। हड़ताल करेंगे काम काज तो नहीं होने देंगे, हाँ लेकिन लेकिन फीस डेट लगी लेंगे। है, डेट लगी है तो फीस चाहिए। जी, तो बताइए, वहां पर तो मनमाना छुट्टी है ना, जब मन किया तब हाँ हड़ताल कर दिए, जब या कुछ नहीं तो फिर जो है कहीं जाना ही है 2-4 दिन के लिए, जितने डेट है अपने जूनियर को लगा दिए कि जो है डेट ले लेना, हाँ खाली डेट ही तो लेना है उनके जूनियर को, अगले डेट पर वो देख लेंगे केस को, और यह वकील को कह देंगे कि भैया जो है आपके उसमें जो है फलाना जो है जज आ गया है वो सही नहीं है, ऐसा करिए अभी जो है डेट ले लीजिए। हाँ जिस सीनियर के अंदर में है उनके पास मतलब 8-10 जूनियर हैं, लेकिन 8-10 जूनियर में सबसे ज्यादा एक्टिव यही है, इसी को ज्यादा काम मिलता है। तो कुल मिला करके वकालत में जो है एक ग्रुप बना करके लोग जो है काम करते हैं, सीनियर के अंडर में जूनियर होते हैं, और फिर जब कहीं कोई भी जो है कोई अवेलेबल नहीं है, कोई जो एब्सेंट है, तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, कोई ना कोई जो है डेट वेट लेना और सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है, और फीस मिलती ही रहती है। हाँ, भाई वो घूमने टहलने जाते हैं तो सब सौंप के जाते हैं कि भैया इसको देखना, उसको देखना। तो जो है नुकसान तो कहीं नहीं है, वहां तो फायदा ही फायदा है। चलिए भाई, भगवान भोलेनाथ आपके जिले में हैं, उनकी कृपा हो, मोदी जी फिर से अरे आ रहे हैं, और बस कंफर्म है, कुछ भी नहीं बदलने वाला है, बस हो अल्लाह। बस देखिए कोई भी चुनाव होता है उस चुनाव के हाँ दौरान ही हो अल्लाह रहता है, जैसे यूपी की ही बात कर लें, अभी 2022 में कितना जो है हो अल्लाह फेसबुक यहाँ वहाँ रहा, इतने नेगेटिव लोग हो गए थे, लग रहा था कि बस अब अखिलेश आ जाएंगे, सब जो है कलेक्टर बन ही जाएगा। हाँ ये तो था, लेकिन है कि वही जयंत और इधर ओम प्रकाश राजभर ने थोड़ा बहुत नुकसान किया है तो कुल मिला इधर। करके अभी चुनाव का समय है, अभी सबको लग रहा है कि भाई हम जिसको चाहते हैं, हम जिसको पसंद करते हैं, वो जीत रहा है। सब क्योंकि जी मीठा मीठा भाषण दे रहा है, अखिलेश कह रहे हैं 80 का 80 हम ले आएंगे, 1-2 नहीं लाएंगे बस, अगर अखिलेश 80 में 80 ला रहे होते तो हाँ, 2022 एक वही में, 2022 मोदी में क्या वाले हो गया सीट था, छोड़ के 79 बता रहे हैं। तो 2022 में क्या हो गया था उनको,
हाँ, कहाँ से 54 55 पे रही है। तो इतना नहीं अचानक से जो है, अरे पीछे का छोड़िए, अभी तो 4 राज्यों में चुनाव हाँ हुए थे, 4 5 राज्यों में हाँ कितना छाप हो हल्ला गई। था, कितना दूसरे का हल्ला छोड़िए, यही सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन को लेकर कितना हल्ला मचाए थे, बस अब तो ओल्ड पेंशन तो मिल ही जाएगा हाँ ऐसा माहौल बनाए थे। अब फिर सन्नाटा हो गया सब, चुनाव के समय ये जो है एक्टिव हो ही जाते हैं, और उल्टी खोपड़ी वाले जैसे लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे बरसात में मेंढक टर टर हाँ, करते हैं, वैसे ही चुनाव के 2018 समय। में यूपी गवर्नमेंट ने एक जो है जियो जारी किया कि जो प्राइमरी और जूनियर विद्यालय आसपास हैं उनका उनको कैंपस ऐड एक किया कर जाए। दिया जाए। अब बताइए इसमें नुकसान क्या था, खराबी क्या थी, इसमें गलत क्या था? कुछ नहीं, अच्छा हुआ ये अच्छा है ना कि अभी भाई जी। 1 से 5 तक अलग कक्षा चल रही है, 6 से 8 अलग, वहां भी एक प्रिंसिपल है, यहाँ भी एक प्रिंसिपल, दो दो प्रिंसिपल रखना पड़ रहा है। अगर हम चपरासी देंगे तो वहां भी एक रखना पड़ेगा, यहाँ भी रखना पड़ेगा। अब प्राइमरी का टीचर जूनियर में कभी कोई दिक्कत है तो वहां जाने को नहीं तैयार है, जूनियर वाला इसमें आने को नहीं तैयार, जब एक ही कैंपस हो गया कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो सारी चीजें मैनेज हो रही हैं उन्हीं लोगों से, आपस में सब मैनेज किया जा रहा है। हाँ सब हो रहा तो स्कूल के हित में, बच्चों के हित में तो बहुत अच्छा हुआ, जी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को खुजली हो रही थी, पहुंच गए कोर्ट, अभी कल या परसों ऑर्डर आया है इस पर, लोग पहुंच अच्छा गए, इसको चैलेंज कर दिए, तो कोर्ट ने कहा भैया इसमें आपने अभी तक एक भी पॉइंट नहीं रखा कि जिससे ये माना जाए कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई खराबी है, कोई कमी है, आपने एक भी पॉइंट जी नहीं रखा। आप बात कर रहे हैं प्रमोशन की, सीनियरिटी जूनियरिटी की, इस पर जो है आप लोग का, तो वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, तो वो आप अपना विभाग से बात करके उसको जो है नियम बनवाइए ढंग से। हाँ भाई, प्रमोशन में, प्रमोशन होने का मतलब यह है कि भाई सैलरी भी और वो टीए जो होता है बढ़ देखो जाता। उसमें जो हम न्यूज पढ़े उसमें ये विवाद था कि जैसे अब प्राइमरी भी और जूनियर भी दोनों मर्ज हो गए, जी अब मर्ज हो गए तो वहाँ प्रिंसिपल तो एक ही बनेगा, या इंचार्ज प्रिंसिपल हो या जो भी हेड बनाया जाएगा एक ही होगा। अब जी जब एक की बारी आएगी तो कोई ना कोई मानक तय होगा, तो उसमें मानक बनाया गया कि जो सबसे सीनियर होगा वो, अब अगर कोई प्राइमरी का है और वो सबसे सीनियर निकल रहा है, जूनियर वाला कोई सीनियर है ही नहीं, तो उसको बनाया जाएगा, तो उस पर लोगों को ऑब्जेक्शन था अच्छा इस बात को लेकर के, खाली चले गए तो भैया कि इसमें क्या दिक्कत है, वो है तो सीनियर ना, तुम लोग बाद में आए हो, जो भी चीजें हैं तो वो अलग मैटर है, वो विभागीय चीजें, विभाग समझेगा किसको हम ये जिम्मेदारी दें किसको ना दें। हाँ, किसको न दे वो तो विभाग की जिम्मेदारी है। हम जब केवी में थे, 3रे साल की बात बता रहे हैं, वहां पर जो है पहले साल जब थे जो प्रिंसिपल थे, दूसरे साल उनका ट्रांसफर हो जाता है, वो अच्छा चले जाते हैं, तो जब वो जाते हैं तो इंचार्जशिप रहता है जो, वो एक जो है पीजीटी के टीचर रहते हैं उनको दिया जाता है, हाँ, जो सीनियर हाँ होंगे। सीनियर जो थे वो संभाल रहे थे। तो फिर 3रे साल में एक टीचर जो है ट्रांसफर होके आते हैं, पीजीटी कंप्यूटर जो है जी वो ट्रांसफर होके आते हैं विशाखापट्टनम से। वहाँ जब आते हैं तो अब ये होता है कि भैया ये तो जो है इनसे पुराने हैं, सीनियर हैं, 1-8 साल जो है वो पहले ज्वाइन किए थे और ये नए हैं, अच्छा उम्र में तो भले वो ज्यादा हैं जो पहले से जिसको मिला हुआ है, लेकिन केवी में कौन कब से ज्वाइन किया है इसकी बात थी। तो वो हाँ, तो ज्वाइनिंग के हिसाब से सीनियरिटी हाँ, है। तो जो विशाखापट्टनम से आए थे कंप्यूटर वाले, अब वो चूंकि जो है सीनियर थे तो उनका प्रयास ये था कि अब हम जब आ गए हैं तो हमको इंचार्जशिप मिल जाए, जी तुरंत ही वो चाह रहे थे, लेकिन जो पहले से इंचार्जशिप जिनको मिला था वो सारा काम देख रहे थे, थोड़े अनुभवी थे, तो प्रिंसिपल जो ट्रांसफर हो गया था उन्हीं के अंडर में फिर भी ये स्कूल रखा गया था, तो वो इंचार्जशिप जो है ट्रांसफर नहीं किए, अच्छा वो 6 7 महीने 8 महीने लटका दिए। किस क्यों अच्छा लटका दिए, क्योंकि तो ये अभी नए नए आए हैं और वहां पर जो जिनको पहले से इंचार्जशिप मिला है वो सारी चीजें देख रहे हैं जी और बहुत सारी चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, मैनेज करनी है, ये थोड़े पुराने हो जाएं, इस माहौल को देख लें समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा रिमोट एरिया है, नागालैंड जैसा जगह जो है वेरी हार्ड होता है, सारी चीजों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है, तो वहां इसलिए नौकरी आसान नहीं है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो है उनको नहीं दिया, तो इनका जो है हमेशा नाराजगी रहता था कि हम जो है सीनियर हैं हमको नहीं दिया जा रहा है। अब 6 7 8 महीने बाद इनको जब इनको दिया गया तब तक वही बने रहे, तो सारी चीजों को जो ऊपर बैठा हुआ है हाँ, मैनेज करना पड़ता उसको भाई देखना है ना, क्या परिस्थिति है, किसको देना चाहिए, कौन सुटेबल जी। होगा, तो ये चीज बिना समझे जो है बस लोग अपना फायदा नुकसान देख करके पहुंच जाते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, कोर्ट ने सीधे कह दिया भैया
ये जो है मर्ज करने में कहीं कोई खामी तो आपने एक भी नहीं दिखाया कि कहीं कोई समस्या है, कोई कमी है, कोई दिक्कत है। आप इस पॉइंट पर आए ही नहीं कि हम उसको रद्द करें। तो आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है तो वो विभाग से आप लोग समझिए। तो इस भाई अगर आर्थिक नुकसान है तब तो कोई बात आप हाँ लोग ये ले, हाँ ये करिए। लेकर के आते हैं भैया, मर्ज करने से जो है बच्चों का नुकसान हो रहा है, विद्यालय का नुकसान हो रहा है, या कहीं पर राजस्व में जो है खर्चे बढ़ गए हैं, इस तरह की कोई चीज लेकर आए होते पॉइंट तो विचार करने लायक होता। खैर, तो सही तरह तरह बात। के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। लोग अगर जो है डिग्री लेकर के ही जो है समझदार हो जाते, लोग अगर कोई पद हासिल करके समझदार हो जाते तो जो है आज वो बहुत आगे होते। लेकिन यहाँ पर डिग्री लेकर के पद हासिल करके भी लोग ऐसे बच्चों वाली चीजें करते हैं कि एक बच्चा भी बता देगा क्या सही है क्या गलत है, हाँ सही बात उस है। पर ये लोग पहुंच जाते हैं कोर्ट, उस तरह की बातें करते हैं। अब आपसे बात करने के लिए कल भी शाम को 8-8 बजे करीब 8-9 बजे के आसपास 2-3 बार मिलाए स्विच ऑफ। आज सुबह से कई बार मिलाए स्विच ऑफ। अच्छा। अच्छा बीच में 2 घंटी गई उठा नहीं फोन। हमने कहा लग रहा है कहीं बिजी हैं क्या। तिवारी जी हाँ बोले, तिवारी जी बताए कि आप बात नहीं किए, आपको पूछ रहे थे। हमने कहा भाई आज हम प्रयास करेंगे, दिन भर मिलाते रहेंगे और अगर फोन उनका खुलेगा तो बात हो जाएगी। वही 2-3 पॉइंट हमको थोड़ा सा मतलब कि यदि मतलब ऐसा हो तो क्या इस पर कोई असर पड़ेगा अरे कुछ ये। नहीं, जैसे यूपी का चुनाव 2022 में था तो सब लोग जिता रहे थे, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। चुनाव परिणाम आया, फिर जितना भी जो भी हल्ला था, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे जो है सबके जो है हाँ आंकड़े सब फेल हो ध्वस्त गए। हो गए। हाँ, सारी चीजें ध्वस्त हो गई, फिर सब शांत बैठ गए एकदम चुप। वैसे ही ये चुनाव आया है, अभी सब जो है जितने मेंढक हैं बरसाती सब निकल के आए हैं बाहर। सब आए हमारे यहाँ। एक सोनू सिंह विधायक थे पूर्व बसपा से, पिछली बार में इनका खिलाफ लड़े थे बसपा सपा गठबंधन से तो अच्छा हार गए थे। तो अच्छा अब तक तो चुप बैठे थे, परसों इन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। अच्छा और अब भाई सपा के पक्ष में मतलब आज मीटिंग वूटिंग अपने घरे के हैं यहाँ कार्यकर्ता के। तो यही तरीके से लोगों की मतलब सोच है। और उधर वो अनुप्रिया पटेल ने कह दिया कि राजा तो उससे ईवीएम से निकलते हैं उससे नहीं। तो उधर राजा भैया का खेमा जो है उनके खिलाफ। तो राजनीति में बड़ी मतलब लोगों की सोच ऐसी। राष्ट्र हम तो देख रहे हैं, विरोधी नेता कोई भी राष्ट्र हित की कोई बात नहीं कर रहा, बॉर्डर की कोई बात नहीं कर रहा है, सेना की कोई बात नहीं कर रहा था। एक 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 गोली और ये बुलेट प्रूफ जैकेट जूता तक बाहर से आता था। आज इंडिया कम से कम 20 20 अस्त्र शस्त्र विदेशों को बेच रही है। हर बॉर्डर पे रेल लाइन और क्या कहते हैं सड़कें सब बिछ गई कि अगर कोई बॉर्डर डिस्टर्ब हो तो हमारी सेना 1 घंटे 2 घंटे में साजो सामान सहित पहुंच जाए। अब आखिर मोदी जी 10 साल में पूरे 60 साल का गड्ढा तो नहीं पाट सकते, कोई भी नहीं पाट सकता। लेकिन जिस हिसाब से काम कर रहे हैं राष्ट्र में मतलब राष्ट्र हित में, ऐसा तो भाई अभी तक किसी सोच का प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। अब देखिए अटल टनल जो था वो सड़क बन रही थी, उसको 14 साल मनमोहन सिंह लटका के रखे, अब वो बन गई। अब आपकी सेना साजो सामान सहित 1 घंटे 1.5 घंटे में बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। तो ये है सब विकास। अब यहाँ सब वही है कि वो आलू महंगी है तो ये महंगा है तो वो है, इस पर लोग मतलब सोच के सोचते हैं। ये बड़ी मतलब धर्म क्षेत्र में जितना काम मतलब अगर काम जो है अनाज की बात कर लें या सब्जी फल की बात कर लें, अगर ये जो है सस्ता बिकता है तो किसानों के लिए है, महंगा बिके तो भी है। भाई अगर गेहूं सस्ता है तो किसान की लागत नहीं आ रही है वो चिल्लाएंगे। अब महंगा हो गया तो महंगा वो खरीद के खाने वाले चिल्लाएंगे बड़ी महंगाई है बड़ी महंगाई है। तो भैया वो इसमें तो दोनों नहीं चलेगा ना, कुछ न कुछ तो मतलब एक एक साइड तो माइनस पॉइंट रहेगा ही। तो ये फालतू की बातें करने वाले लोग हैं। सामान्य व्यक्ति जानता है कि हर वर्ष महंगाई कुछ न कुछ बढ़ती ही है, ये बढ़ती ही। भैया देखिए शहरों की जिस हिसाब से फैलाव हो रहा है, खेती की जमीन घट रही है आबादी बढ़ रही है,
आप बताइए सस्ती चीज आप कैसे उम्मीद करेंगे? आने वाले समय में लोगों को अगर भरपेट भोजन मिल जाए किसी तरह, यही बहुत बड़ी बात है। पैसा नहीं है जो कह रहा है कि महंगाई है, सिर्फ उसके घर में कितने सदस्य हैं गिन लीजिए, उसके बाद सिर्फ सबके हाथ में कितने मोबाइल हैं, कितने हजार वाले हैं वो देख लीजिए, सिर्फ मोबाइल देख लीजिए ना। अरे भैया मजदूरी करने वाला आदमी बिना मोबाइल के नहीं चल रहा है। तो ये जो मनमानस पटरी बनाते हैं ये मोबाइल लेके चल रहे हैं, 10,000-20,000 का मोबाइल लेकर के, हाँ। लाख रुपए की मोटरसाइकिल या कई लाख रुपए की गाड़ी लेकर के लोग जा रहे हैं राशन लेने। जी बताइए, ये हालत है। हम तो कल बैठे थे तो ऐसे चर्चा होने लगी, कुछ लोग मतलब थे कोई कांग्रेस का, हमने कहा ये बताइए जैसे आज यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो यूक्रेन से लोग पड़ोसी देश में जाके शरणार्थी बने हैं, अगर हिंदुस्तान में जैसे नौ प्रदेश तो अपने यहाँ मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं, मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो हिंदू को कहाँ शरणार्थी जगह मिलेगी, न बांग्लादेश में मिलेगी, न लंका में मिलेगी, इधर पाकिस्तान दुश्मन है ही है, उधर चीन दुश्मन है ही है। हमने कहा बताओ अगर ये अगर भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे तो कहाँ जाओगे, और यहीं रह गए, अंग्रेज आए मुगल आए कोई सेना लेके नहीं आया, हमारे आपके बीच के ऐसे ही लोग जो थे उनकी मदद किए और अपने ही लोगों को मारा, अपने ही लोग अपने ही देश में राज करवाया। तो अगर भैया यही सोच है तो चाहे जो करो, बाकी अगर वोट वोट देना है तो बीजेपी को दीजिए जिससे कम से कम राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत होगा तो हम लोग आने वाली पीढ़ी जो है ये मजबूत होगी। नहीं तो भैया अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी जो भी है जैसे भी है, तो चुनाव है तो यही सब चीजें हैं। चलिए अभी चुनाव का समय है, अपने विचार हैं, बस 4 जून तक जो है हो अल्लाह रहेगा, उसके बाद जहाँ 4 जून के बाद हफ्ता 10 दिन बीतेगा सब जैसे चल रहा था वैसे चलने लगेगा। जी 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 बस 4 जून का ये काफी लंबी बात हो गई, कभी कभी फोन करें तो उठा लिया कि समय रहने पर उठा ही लेते हैं व्यस्तता। नहीं नहीं ठीक है फिर। अच्छा नमस्कार भैया, शुरू का कुछ पार्ट हमने काट दिया था, वो पार्ट अब आप सुन सकते हैं, वो हमने लास्ट में इसलिए कर दिया क्योंकि वो चुनाव से संबंधित राजनीति से संबंधित बातचीत हुई थी, सभी लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसलिए हमने उसे थोड़ा जो है कट करके लास्ट में कर दिया। वैसे तो कोई कट करते नहीं है कभी, पूरी बातचीत आपके सामने वैसे ही रख देते हैं ताकि कोई चीज़ आप लोग उसे छुपे ना, जो भी है जैसा भी है उसी रूप में रहे, पूरी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए जो लोग इच्छुक हैं वो जो शुरू में पार्ट हटाया गया है तो अब सुन सकते हैं, चलिए आगे सुन लीजिए आप लोग। चुनाव आपके यहाँ अभी हुए नहीं है, होना है तो पहली जून को है, हमारे यहाँ तो कल है। अच्छा हाँ तो इधर तो 1 जून को है अंतिम चरण। आपके यहाँ प्रियंका और वो क्या कहते हैं डिम्पल राकेश अरे अखिलेश और राहुल सब इकट्ठा हो रहे हैं मोदी जी के खिलाफ में। चलिए चुनाव है, चुनाव में सब तो यही सब होता है, फिर जहाँ 4 जून को जो है रिजल्ट आएगा सब सामने होगा, फिर सबके जो है पता सब सरकार पता तो सरकार तो पुनीत जी भाजपा की आ रही है वो तो कंफर्म है। अभी तक जो 5 चरण चुनाव हुए हैं इसमें आप ये मान चलिए कि 260 से लेकर 300 के आसपास यानी 290 भी हो सकता है 80 भी हो सकता है इतनी सीटों का अनुमान फिलहाल हमारा है। चलिए बढ़िया, कुल मिलाकर के फुल मेजॉरिटी की सरकार रहेगी। अगर ये इस बार ये 400 पार कर जाते तो इतने महत्वपूर्ण काम होने हैं देश के लिए, विशेष रूप से अपने हिंदुओं के लिए, जैसे वक्फ बोर्ड ने सारी जमीन कब्जा कर ली है, वक्फ बोर्ड खत्म करना है, समान नागरिक संहिता लानी है, जो घुसपैठिए आ गए इनको बाहर करना है, मतलब कई तरीके के ऐसे काम है। लेकिन ये चुनाव है इसमें तो जात बात के नाम पे लोग इतना मतलब अच्छे कार्य को लोग भुला दे रहे हैं। चलिए अभी तो 4 जून को रिजल्ट आएगा तो सब सामने आ जाएगा, बात तो कह रहे हैं अभी तो जिसकी बात सुनिए
वो कह रहा हम जीत रहे हैं, हमें इतना मिल रहा, हमें इतना मिला, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो सामने आ ही जाएगी 4 तारीख को। वो तो सही है। अखिलेश तो अपने को प्रधानमंत्री मान चुके हैं। भाई अब उनके मानने से क्या होगा, अब उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि यूपी में जो है पिछले 2 चुनाव में उनकी क्या कंडीशन रही है। हाँ, तो हारे हैं लेकिन। जब अपने राज्य में जो है चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, नहीं जीत पाए 2 बार से, और सीटें कितनी मिली हैं वो भी आप देखे ही हैं, तो ये हाँ, तो वही भाई, 55-55 के हाँ, आसपास ये तो नेशनल लेवल का है हर चीज। तो लोग यहाँ पर जो है अखिलेश को देखेंगे या नेशनल लेवल पर देखेंगे कौन कौन सी है। नहीं, पार्टी है? चुनाव तो नेशनल लेवल पर जाएगा। कारण कि देखिए, जो भी क्षेत्रीय दल हैं अपने अपने प्रदेश में लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस क्षेत्रीय दल जितने भी जिस भी प्रदेश के हैं, वो अपना अगर प्रदेश ही नहीं जीत पाए हैं, उसके बाद इस चुनाव में वो उम्मीद कर रहे हैं, तो ये तो ठीक। जो है लगभग 80 से 90% मूर्खता है। अच्छा, बहुमत का आंकड़ा 272-75 है। कांग्रेस इतनी भी सीट नहीं लड़ रही है कि मान लीजिए कि थोड़ी देर को कि कांग्रेस के प्रति लोगों का झुकाव भी हो तो वोट तो उसको कहाँ दे। जैसे यहाँ यूपी में 13 सीट लड़ रहे हैं, तो अब बताइए, ये भी भारत के प्रधानमंत्री का ख्वाब देखे हैं है, जब तो। वो जो है इतनी सीटें लड़ ही नहीं रहे हैं कि वो अपने दम पर सरकार बना सकें, और जब वो अगर मान लेते हैं कि ये जो अलग अलग पार्टियां मिल करके अगर बनाती भी हैं, मान लेते हैं, तो जी उनमें जो है एकता तो हो ही नहीं पाएगी, जी जी तो जी उनमें लड़ाई चलेगा। मान लेते हैं एक बार को कि जो है बीजेपी को कम सीट जाती है, हाँ उनको ज्यादा, तो भी बीजेपी फिर जो है जैसे ही सीटों का जो है सारे चीज सामने आएगा रिजल्ट, तो कुछ पार्टियां ऐसी होंगी उनको कुछ ना कुछ बीजेपी प्रलोभन देकर अपने तरफ खींच लेगी, फिर बीजेपी ही जी आ जाएगी। आना तो बीजेपी को हर हाल में है, बस देखना जी ये है कि सीटें कितनी लेकर के आ रहे हैं। हाँ, कि इनका जो 400 का नारा है वो पहुंच रहा है कि देखिए कम बेसी पिछले हो। पिछले 2014 और फिर उसके बाद 19, जी ये जो है आप देख लीजिए आंकड़े उठा करके, और फिर इन 10 सालों में ऐसा कौन सा वर्ग है जो लाभ नहीं लिया है, जो इनको वोट सारे नहीं देगा? सारे वर्गों ने लाभ लिया, हर तरह से लाभ लिया भाई है। किसानों की बात कर लें, सबसे ज्यादा जो है कहा जाता है कि भारत में किसान है, जी किसान जो है खेती प्रधान कृषि प्रधान देश है, जी जी किसानों जी को जो है हर वर्ष पैसा मिल ही रहा है, हर 3 माह 4 माह पर। जी जी तो जी किसान को पैसा मिल रहा है, जो गरीब तबके का ग्रामीण क्षेत्र का वर्ग है, उसमें उनको टॉयलेट मिला है, घर मिला है, राशन मिल रहा है, उज्ज्वला गैस मिला है, कुछ ना कुछ तो मिला है हर किसी को। सबसे ज्यादा तो राशन भैया मुस्लिम बिरादरी उठा रही है। इनके 8-8, 9-9 पर 10-10 वो हैं, और इसके बावजूद भी देखिए मुस्लिमों में मतलब सोच इनकी इतनी खराब आप जो नाम ले रहे हैं मुस्लिम का, उसमें कि भी मेरा मानना है कि करीब करीब 40% से ज्यादा जो है वो बीजेपी को वोट देंगे, हाँ, क्योंकि ये बात तो आपकी सही है। हाँ मतलब हर 40% पक्ष में। से, देखिए वो साइलेंट वोटर बन चुके हैं 40% से ज्यादा मुस्लिम। महिलाएं चाहे जितना जो भी उनको कोई कुछ भी कह ले, लेकिन इतना पता है कि हिंदू और मुस्लिम वर्ग की महिलाओं की जब बात होगी तो इसमें सबसे ज्यादा जो है प्रताड़ित और शोषित जो है मुस्लिम महिलाएं हैं। तुलनात्मक रूप में देखा जाए इन दो धर्मों को, धर्म के आधार पर, हाँ, तो सबसे इसमें ज्यादा प्रताड़ित हैं। तो उसमें जो है इनको अभी एक लाभ दिया गया है, ट्रिपल तलाक वाला। तो जो किसी के हित में काम करता है तो उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अभी दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हों, आप किसी समस्या में हो, एक आपकी सहायता करे, एक आपके अगेंस्ट कोई काम करे, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? जो आपके सहायता कर रहा उसी से तो आगे की उम्मीद करेंगे? जो सहायता कर रहा है उसकी उसकी उम्मीद तो करेंगे। जो आपकी सहायता करेगा, आप उससे उम्मीद कर रहे हैं, तो उसी के साथ तो चलना चाहेंगे? सही बात है। तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं, अगर ये मान लिया जाए कि वो 50% आबादी है उनकी मुस्लिम वर्ग जी में, तो जी तो उनमें से करीब करीब 60 से 70% महिलाएं साइलेंट वोटर हैं बीजेपी की।
वो भाजपा को आउटकास्ट किया, इसलिए कि उनका पेट भर रहा है राशन से, और उनको ये तलाक से काफी उनको राहत मिल गई है, जो सामाजिक बुराई थी उस समाज में अच्छा। काफी। हाँ, हाँ और दूसरा ऐसा नहीं है कि मुस्लिम वर्ग में सभी जो है कम पढ़े लिखे या अशिक्षित हैं, उसमें भी पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ अच्छे अच्छे हैं जो भाई पढ़ा सबके। लिखा वर्ग है उनको अपना फ्यूचर, अपने आने वाली जनरेशन का फ्यूचर दिख रहा है, जी, तो वो भी जो है साइलेंट वोटर हैं बीजेपी के। तीसरा हो गया कि जो थोड़ा राजनीति से मतलब रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के सपोर्टर हैं या कांग्रेस पार्टी से ही सब लड़ रहे हैं, बहुत हाँ सारे वो बीजेपी से भी हैं, तो वो अपने जी, क्षेत्र में जो है पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, छोटे छोटे फैक्टर हैं, लेकिन ये जब अलग अलग फैक्टर मिला करके एक साथ जब आएंगे ना, तो बहुत बड़ा जो है वर्ग बन जाएगा। लगभग 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर जो है बीजेपी के फेवर में आ जाएंगे। जी। कांग्रेस ने जो है कोई दो चार चीज बताइए जो याद आ रहा हो कि कांग्रेस ने उनके फेवर में कोई चीज किया हो, बहुत बड़ा लाभ उनको दिया हो। ये वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देते हैं, ये तो आजादी के कुछ समय की नहीं बात है, पुरानी किया बात है, हो गई। खाली मुस्लिम और एससी का वोट लेके राज किया है, दिया इनको कुछ नहीं है। तो हमें तो अगर हम पुराने फैक्टर सारे उठा करके देखते हैं, जब जब जो चीजें हुई हैं आजादी से लेकर अब तक, तो जी सारी चीजें पिक्चर क्लियर है कि बीजेपी के ही फेवर में सारी चीजें हैं। बस देखना इतना है कि सीटें कितनी आ रही हैं। इनका नारा है हाँ 400 बस पार, तो अगर सारी चीजें इनके फेवर में जाती हैं तो ये 400 पार कर ही जाएंगे। कर जाएंगे या करीब पहुंच जाएंगे, इतना तो कंफर्म पिछली बार कितना, 303 था। है। नहीं इनका 325 के कितनी के सब में आसपास याद नहीं आ थी। रहा है कि कब कब कितना रहा है। एक बार शायद कभी 303 भी रहा, तो वो हमें याद आ रहा है। अच्छा, और इनका गठबंधन वगैरह जो इनके साथ हैं लेके, ये लगभग 147 के ऐसे ही बैठ रहे हैं। अच्छा, नहीं हम तो ये जो है इनका अकेले का बता रहे हैं। खैर जो भी था, तो जो भी हाँ जितना भी था उससे ऊपर ही जाएंगे, और बीजेपी जी अभी भी अकेले नहीं है। इनके जो गठबंधन वाले हैं और अन्य पार्टियां जो हैं, जी तो वो पार्टियां भी जो है अपना दमखम तो लगाए हुए हैं। नहीं, बिल्कुल लगाए हुए हैं जैसे उदाहरण हम में ये। बिहार ही ले लिया जाए, नीतीश बाबू जी जी भागे थे जरूर छोड़ करके, फिर वापस हाँ आना हाँ ही पड़ा। लगाए हुए हैं। देखिए सबसे मुख्य होता है ना, कोई भी खेल खेलिए, चाहे वो ताश के पत्ते खेलिए, चाहे शतरंज जी खेलिए, जी किसके हाथ में क्या है, जिसके हाथ हाँ में जो कुछ आ चुका है वो उसका फायदा हर हाल में उठाएगा, चाहे पहले उठाए चाहे बाद में उठाए, उठाएगा। जैसे अगर कोई जी कोई जो है ताश खेल रहा है, उसके पास जो है इक्का आ गया है, तो इक्का तो आ चुका उसके पास ना, अब उसका यूज उसे कब करना है, उसको अब वो तो कब अपने करना हिसाब है। से करेगा। तो जो सत्ता में एक बार आ गया, तो फिर उसकी जो है धीरे धीरे पकड़ बनती चली जाती है। पहले बीजेपी जी। के साथ क्या था कि सत्ता में आने को ही नहीं मिल पा रहा था। भाई अभी अभी इनके मतलब ये कांग्रेस के आगे विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी थी नहीं जो कि मतलब जिसको लोग पसंद करें, कांग्रेस को निगलेक्ट करके पसंद करें, ऐसी स्थिति नहीं थी, धीरे धीरे अब बन गई है। ऐसा नहीं था कि पार्टी नहीं थी, बस ये था कि जो है लोगों को एक तरह से कह लें मिसगाइड करके रखा गया था, लोगों तक जो है चीजों को हाँ पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बस एक तरह बस से उस वक्त जो तानाशाही थी, जैसे इमरजेंसी लगा देना, जबरदस्ती नसबंदी जी करा देना, क्या क्या चीजें नहीं की गई, लेकिन क्या है कि उस वक्त इतनी मीडिया नहीं थी, इतना सब कुछ था नहीं, चीजों को अपने तरीके से जितना कुछ था भी मैनेज कर लिया या दबा दिया जाता था। अब लेकिन अब लोग तो जो भैया है, इमरजेंसी भी देखे। तो अब तो जो है हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति हर चीज को समझ रहा है, वो सबको पता है कि जो है विपक्ष के पास कोई जो है चेहरा है ही नहीं, कोई चेहरा नहीं है। और अगर चेहरा मान ले कांग्रेस का राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का नाम आते ही जो लोग उनके बिगड़ जाते सपोर्टर हैं। हैं 80% तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। हाँ, उन्हीं उनका के नाम लेने से। उन्हीं के पक्ष वाले जो उनके सपोर्टर हैं, उनमें ही 80% जो है राहुल गांधी को नहीं चाहते हैं। भाई हर कोई चाहता है कि हमारा लीडर हमसे थोड़ा तगड़ा रहे, हमारी हाँ, तुलना मतलब में। हर स्तर पे उसकी सोच ठीक हो, जानकार हो,
सारी चीजों का जैसे नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई गांव हो या कहीं कुछ भी हो, तो कोई फैक्ट्री हो, वर्कर्स हो, तो वहां पर जिसको भी लीडर चुनेंगे वो हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसा हो जो कि हम में से श्रेष्ठ हो, हमसे बेहतर हो। जी कोई भी अपने से कम वाले को अपना जो है हेड मानने को नहीं तैयार होता है, जी जी कहीं पर भी हो। परिवार में ही देख लीजिए, जी जी परिवार में अगर जी चार बेटे हैं, चार हाँ, तो में जो एक जो उसमें सबसे ज्यादा कमा रहा होगा उसी की ज्यादा चलती होगी, क्योंकि वो ज्यादा कमा रहा है, वो जो है घर के लिए सारी चीज ज्यादा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी मामले में सुपीरियर है, इस कारण से उसी की चलती होगी।